हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं उसके बारे में बताते हैं और एक टॉपिक डेली समझाते हैं। तो अभी जो हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कोशिकाओं की आकृति और उनकी मांग के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैं आपको कोशिका के अंदर जो जीव सॉरी जीव बोल रहा हूँ वो क्या होता है पदार्थ होता है उसके जिस जिन वैज्ञानिकों ने खोज की है मैंने उनके नाम बता दिए हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोशिका की आकृति और उनकी मांग। विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोई जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक कोशिका से बने होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अनेक कोशिका से बने होते हैं। अब जो एक कोशिका से बने होते हैं उनको एक कोशिका जीव कहा जाता है। और जो अनेक कोशिका से बने होते हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जो एक कोशिका से बने होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है और जो बहुकोशिकीय अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो क्यों होता क्या है, इनकी आकृति और इनके मामले में विविधता है बहुत सारी। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है, जीवाणु है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका से बन जाते हैं, एक ही कोशिका से इनका पूरा शरीर विकसित होता है। अब जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जानवर है, जंतु है, ये सब क्या होते हैं बहुकोशिकीय से बने होते हैं और ये एक कोशिकीय से बने होते हैं। तो बहुकोशिकीय से बने होते हैं, अनेकों कोशिकाएं विकसित होकर इनका शरीर बनाती है। तो वह क्या है, अंडा जो होता है, अंडा एक कोशिका होता है, फिर विकसित होकर वो बहुकोशिकीय बनता है। पहले एक कोशिका होता है फिर विकसित होकर बहुकोशिकीय बनता है। तो होता क्या है कि जो भी 0.1 mm की जो कोशिका होती है हम उसको आंखों से नहीं देख सकते, वो हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखाई देगी। अब शुतुरमुर्ग का एक अंडा होता है जो 170 mm का होता है, उसकी कोशिकाओं को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसमें हम माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये है, सॉरी ये एमएम नहीं है, माइक्रोन है, माइक्रोन है 0.1 micron, 170 mm का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इसकी कोशिकाओं को हम देख सकते हैं। अंडे की कोशिकाएं जो होती है मुर्गी का जो अंडा होता है उसको देख सकते हैं, जब वो उबाल दिया जाता है तो उसकी कोशिकाएं अलग से दिखाई दे जाती है, पीला पीला जो पदार्थ उसके अंदर भरा होता है वही न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जो एक कोशिका होती है वही एक कोशिका उसमें भरी। तो ये टॉपिक तो इसमें कोई मतलब जिस तरह का जितनी जिसमें कोशिका उसी हिसाब से हम इसको नाप नहीं सकते, इसकी आकृति को नहीं पता लगा सकते। वैसे आकृति गौर हो सकती है आयताकार में, छड़ाकार भी हो सकती है। इसकी आकृति की कोई सीमा नहीं है, जो कैसी भी हो सकती है, किस तरह का जीव हो सकता है उसमें इसी तरह से हो सकती है। शाखा के द्वारा पेड़ की जैसे शाखा होती है इस तरह से फैली हो सकती है, जैसे तंत्रिका तंत्र है हमारा, ठीक है ऐसे होती है। ज्यादातर ये गोल होती है, ज्यादातर की अगर बात करो तो गोल होती है, आयताकार, छड़ाकार, तंत्र किसी भी तरह के सब होती है। था आज का हमारा कोशिका की माप और आकृति को लेकर के, जिसको टॉपिक अच्छा लगा हो ये मैंने और ज़्यादा बताया क्योंकि लिखने का इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो सब्सक्राइब मिल सके। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। शुक्रिया।